सीरियल सावी की सवारी में सावी ने रखा करवा चौथ का फास्ट, तो वहीं नित्यम हुए काफी ज्यादा सावी से गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर में क्यों रखा सावी ने करवा चौथ का फास्ट, क्योंकि उनकी शादी तो है सिर्फ एक दिखावा। वहीं दूसरी तरफ सोनम को पता लगने वाला है डिप्पी का सच, क्या कुछ होगा अपकमिंग एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल सावी की सवारी में जहां आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सावी और नित्यम के सामने सोनम आती है और सावी को झूठा जो है कहलवा आती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि सावी ने अपने फैमिली वालों के लिए जो है काफी कुछ चीजें की है, और वो जो 1,00,000 रुपए नित्यम ने शॉपिंग के लिए सावी को दिए थे जो कि सावी ने लेने से मना कर दिए थे, वही 1,00,000 रुपए जो है सोनम का ऐसा कहना था कि सावी ने घर पर जानबूझ के छोड़ दिए थे, लेकिन इसके पीछे है सोनम की एक बड़ी चाल। साथ ही डिम्पी के साथ में काफी अच्छा फ्रेंडशिप हुड जो है दोनों निभाती हुई नजर आई थी, लेकिन सावी ने जब भी बताया सोनम को कि डिम्पी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो वही पेनड्राइव देती है सोनम के बॉयफ्रेंड के जो है कई सारे फोटोग्राफ्स थे, और यही पेनड्राइव जो है शादी में चलवाना चाहती थी डिम्पी, तो वही सच जो है बताना सावी चाहती थी सोनम को। अब वही जब पेनड्राइव सोनम देखती है तो उसके सामने सारा सच जो है वो बाहर आ जाता है। ऐसे में सोनम ठान लेती है कि डिम्पी का अब पर्दाफाश वो करेगी और डिम्पी को ठिकाने अब वो लगाएगी। तो ऐसे में अपकमिंग एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या कुछ करती है सोनम। वेल, क्या है आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।